आज हम बात करने वाले इंडियन नेवी के बारे में तो आप लोग किसी भी ब्राउज़र में इंडियन नेवी सर्च मारिएगा तो सबसे पहला सर्च रिजल्ट में क्या आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ज्वाइन इंडियन नेवी डॉट जी ओ वी डॉट इन ठीक है तो इसमें मैं सारा चीज़ बताने वाला हूँ एग्ज़ाम सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न उसके बाद क्वालिफिकेशन कितना पोस्ट है कितना सैलरी है सारा चीज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहे अगर इससे पहले आप लोग चैनल को पे नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए तो आप लोग को इस वाले पर क्लिक करना है ज्वाइन इंडियन नेवी जैसे आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक पेज लोड लेगा उसके कुछ देर बाद एक पेज खुलेगा तो इस टाइप का पेज आप लोगों के सामने में खुल जाएगा इंडियन नेवी का ऑफिशियल पेज यहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन इंडियन नेवी इसका ये ऑफिशियल पेज खुल जाएगा उसके बाद आप लोग को यहाँ पे थ्री लाइन दिख रही होगी इस साइड में थ्री लाइन है इस पर आप लोग को क्लिक करना है अब यहाँ से अपने लोग एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को सबसे फर्स्ट ऑप्शन के बाद यहाँ पर सेकेंड में मिल जाएगा कैरियर एंड जॉब ठीक है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो दो तीन ऑप्शन और खुलेगा और अपने लोग को क्या किसपे क्लिक करना है तो अपने लोग क्लिक करना है बिकॉम ए नेवी सिविलियन ठीक है इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद ये एक पूछ परमिशन मांगेगा आप लोग को ओके कर देना है उसके बाद आप लोग आप चल जाएंगे इंडियन नेवी डॉट एन आई सी डॉट इन पे जाएंगे तो वहाँ पे कुछ देर पेज लोड लेगा उसके बाद ये पेज खुलेगा ये पेज खुलने के बाद ये कुछ इस टाइप के रहेगा उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो जो रिक्रूटमेंट निकला हुआ है वो सारा आप लोगों को दिखेगा तो यहाँ पे आप लोगों को सेकंड नंबर पर दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन तो इस पे आप लोग को क्लिक करना है जैसे आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा ये परमिशन मांगेगा और परमिशन जैसे ही देंगे आप लोग के पास ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होने लगेगा या डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा उसके बाद ये इस टाइप से ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुलेगा तो इसका एडवर्टाइजमेंट जो है वो खुल रहा है तो ये कुछ इस टाइप से खुलेगा और सबसे ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे देखा हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पे रिक्रूटमेंट है सिविलियन का तो यहाँ थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पोस्ट के बारे में बताया गया है देखिए यहाँ पे पोस्ट भले कम हो लेकिन सैलरी बहुत अच्छी दे रही है तो यहाँ पे तीन प्रकार की पोस्ट है पहला है इंजन ड्राइवर टू इंजन ड्राइवर और ग्रेसर ठीक है तो इंजन ड्राइवर वन का जो सैलरी है उनतीस हज़ार दो सौ से लेके बिरानवे हज़ार तीन सौ मतलब लेवल फाइव का मिल रहा है और इंजन ड्राइवर वन को लेवल फाइव का इंजन ड्राइवर टू को लेवल फोर का जो पच्चीस हज़ार पाँच सौ से इक्यासी हज़ार एक सौ तक बनता है और ग्रेसर का जो सैलरी लेवल वन का दे रहा है अठारह हज़ार से लेके छप्पन हज़ार नौ सौ रुपया तक अगर हम इंजन ड्राइवर टू की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट एक है और वो सिर्फ़ एस टी वाले भर सकते हैं उसके बाद इंजन ड्राइवर में देखें तो दो पोस्ट है वो भी एस टी में है उसके बाद एक यू आर में है ग्रेसर में ठीक है तो टोटल पोस्ट बोले तो यहाँ पे चार पोस्ट है चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं आप लोग को यहाँ पे नीचे जो एस सी एस टी है उसके बारे में कुछ लिखा है और यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आप लोग के एज के बारे में बताएगा एज क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे इंजन ड्राइवर ओ टू इंजन ड्राइवर उसके बाद ग्रेसर सब के बारे में दिया गया सबका एज लिमिट अठारह से पच्चीस साल है इंजन ड्राइवर टू के लिए आप लोगों को टेंथ पास होना चाहिए उसके बाद फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट आप लोगों को होना चाहिए उसके बाद टू ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इस दोनों जगह में से कहीं पे उसके बाद है इंजन ड्राइवर इसके लिए भी आपको क्या चाहिए टेंथ पास चाहिए और इसमें सेकेंड क्लास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके बाद आप लोगों का स्विमिंग का नॉलेज होना चाहिए उसके बाद ग्रेसर में आप लोगों का टेंथ पास मांगा और सर्टिफिकेट कम्प्लीट होना चाहिए किस से प्री ट्रेनिंग से इससे आप लोगों का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जो आप लोगों को कम्प्लीट होना चाहिए उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोटिस लिखा हुआ उसके बाद यहाँ पे दे रहा इंजन ड्राइवर टू के बारे में तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे यहाँ पे ग्रेसर के बारे में और यहाँ पे आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा एस सी को पांच साल ओबीसी का तीन साल एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आप लोगों को दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल उसके बाद यहाँ पर हम इसकी सिलेबस की बात करें तो सिलेबस की बात करें तो आप लोगों का जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग और नोमेरिकल एप्टीट्यूड के बीस क्वेश्चन रहने वाले हैं मतलब मैथ और रीजनिंग मिला के बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश के लिए बीस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के दस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अबेयरनेस यानी जो आप ट्रेड फील्ड्स से है, जैसे इंजन ड्राइवर से है तो इंजन ड्राइवर से आप लोगों को पचास क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल सौ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँ तो यहाँ पे देखिए इसका जो है डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है कि कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा सारा चीज़ का डिटेल सिलेबस है मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग पी डाउनलोड करके इसका डिटेल सिलेबस एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले अगर मैं यहाँ पर इसका स्विमिंग टेस्ट की बात करूँ तो स्विमिंग टेस्ट इसका पचास मीटर का होगा जिसके लिए आप लोगों को दो मिनट और तीस सेकंड का टाइम दिया जाएगा तो आप लोगों को स्विमिंग टेस्ट भी लिया जाएगा यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बोल रहा है और लास्ट डेट का है फॉर्म का तो देखिए जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब ये पब्लिश होगा उससे इक्कीस दिन तक फॉर्म आप लोग भर सकते हैं और जो आदमी असम से बिलोंग करते हैं मेघालय से जो मतलब इतना में जो जितना जगह का नाम दिया अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप लोग अट्ठाईस दिन तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं जब मैं इसका नोटिफिकेशन एम्प्लयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या है आप हाउ टू अप्लाई में तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरना है और इस पते पे भेज देना है फॉर्म को ठीक है और उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले तो आप लोगों को जितना जो सर्टिफिकेट है मतलब टेंथ का बर्थ एडमिट कार्ड ये सारा चीज़ को आप लोगों को सेल्फ स्टेटेड करके मतलब उसका फ़ोटो स्टेट भेजना है और दो फोटो भी भेजना है ठीक है तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे चले तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया हुआ है यहाँ पे आप लोगों को जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ठीक है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन का भी फोटो काफिस में लगा के भेजना पड़ेगा ठीक है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो इस वीडियो में इतना ही चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में